हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मे इट एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर थर्टियथ दिसंबर 2022 30 दिसंबर 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंगर फ्रेंड्स एज वेल स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इंडिया इज़ द लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग एंड रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री इन द वर्ल्ड दूसरा स्टेटमेंट है इंडिया लैक्स अ कॉम्प्रिहेंसिव माइग्रेशन पॉलिसी टू इंश्योर अ डिसेंट लिविंग एंड सेफ मूवमेंट ऑफ माइग्रेंट्स तीसरा है माइग्रेशन टू अब्रॉड इज गवर्न बाय द इमिग्रेशन एक्ट टू थाउजेंड कौन सा स्टेटमेंट्स इनमें से, से करेक्ट है वन एंड टू टू एंड थ्री वन एंड थ्री वन टू थ्री बहुत ही आसान सवाल है क्योंकि आप अगर आप मैं आपको आंसर बताता हो आई होप आप अपनी तरफ से अटैम्प्ट जरूर करेंगे अगर आप इसमें स्टेटमेंट नंबर थ्री पढ़ें तो आपको दिखा होगा कि माइग्रेशन टू अब्रॉड इज़ गवर्नड बाई इमीग्रेशन एक्ट टू थाउजेंड अब देखो ये स्टेटमेंट तो सही हो ही नहीं सकता मैंने आपको पहले बताया है कि नहीं बताया मुझे नहीं पता लेट मी टेल यू वंस अगेन अगर इंडिया से कोई व्यक्ति बाहर जाता है मतलब माइग्रेशन टू अब्रॉड होता है तो इसको हम बोलते हैं एमिग्रेशन दिस इज डोनस एमिग्रेशन और अगर इंडिया में कोई व्यक्ति आता है तो उसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन ठीक है ना तो अगर माइग्रेशन टू अब्रॉड एमिग्रेशन कहलाता है तो उसको मॉनिटर करने के लिए इमिग्रेशन एक्ट क्यों लगेगा तो ये गलत हो जाएगा तो याद रखिएगा कि जो माइग्रेशन टू अब्रॉड है वो एमिग्रेशन एक्ट टू के द्वारा मॉनिटर होता है तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है ठीक है ना और ये इमिग्रेशन एक्ट जो है वो इमिग्रेशन माइग्रेशन टू इंडिया को मॉनिटर करता है तो तीसरा स्टेटमेंट इसमें रॉन्ग होगा जैसे ही तीसरा एलिमिनेट हुआ केवल आपके ऑप्शन बचते हैं क्या वन एंड टू तो वन एंड टू आर करेक्ट दूसरा सवाल है विद रेफरेंस टू कसोवो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट इज़ अ लैंड लॉक्ड कंट्री कल मैंने आपको कसोवा दिखाया था मैप में अगर आपको याद हो तो हर तरफ से लैंड से ही घिरा हुआ था कोई वाटर बॉडी मैंने आपको नहीं बताई थी तो पहले स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है अलबैनिया बॉर्डर्स द कोसोवो इन द वेस्ट बिल्कुल सही है कल मैंने आपको बताया था कि वेस्ट साइड पे यहाँ पे अल्बेनिया आपको बॉर्डर कर रही थी एंड तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है द बॉर्डर्स ऑफ कोसोवो आर मोस्टली माउंटेनियस तो ये भी स्टेटमेंट सही है वन टूट थ्री और तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है

एक नया डेवलपमेंट अनाउंस किया है विच इज़ अ प्रोटोटाइप ऑफ अ मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन याद रखेगा किसका प्रोटोटाइप है मल्टी कंस्टिट्यूएंसी रिमोट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अब ये आर वी एम क्या करेगा आर वी एम है ये रिमोट वोटिंग मशीन है क्या काम करेगा इट विल इनेबल रिमोट वोटिंग बाय माइग्रेंट वोटर्स तो आपको पहले ही पता था मैंने कई बार डिस्कस किया कि माइग्रेंट वोटर्स के लिए कुछ नई चीज़ देखने की कोशिश की जा रही है क्योंकि माइग्रेंट वोटर्स हो सकता है बार बार अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी में आकर के वोट ना कर पाए तो उनके लिए क्या व्यवस्था की जाए तो हमने कई चीज़ें डिस्कस की थी उनमें से एक ये अभी तक डिस्कस तो नहीं की थी लेकिन हाँ जो सोल्यूशन निकला है वो रिमोट वोटिंग मशीन निकाली है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है जो कि रिमोटली वोट करने में मदद करेगी फॉर द माइग्रेंट वर्कर्स ठीक है ना अब ये जो मशीन है इट कैन हैंडल मल्टीपल कंस्टिट्युएंसीज फ्रॉम वन रिमोट बूथ एक रिमोट बूथ से ये अलग अलग कंस्टिट्यूएंसीज के वोट्स जो है वो डलवाने में सफल रह पाएगी ठीक है ना सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मशीन विच कैन हैंडल मल्टीपल कंस्टिट्यूंसीज फ्रॉम वन रिमोट बूथ तो ये चीज़ यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है अब इलेक्शन कमीशन ने सारी रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज को सारे नेशनल पार्टीज को स्टेट पार्टीज को कहा है कि आपका इस, इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा प्रोटोटाइप का 16 जनवरी को और आप इसको चेक करें इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमको बताएं क्या है एक आर सो दिस मशीन अलाउस माइग्रेंट वोटर्स लिविंग आउटसाइड देयर होम कंस्टिट्यूएंसीज टू वोट फ्रॉम देयर करेंट रेसिडेंस जो माइग्रेंट वोटर्स हैं वो करंट रेसिडेंस से ही वोट कर पाएंगे अपनी कंस्टिट्यूएंसी के लिए द रिमोट वोटर मस्ट रजिस्टर ऑनलाइन और ऑफलाइन विद अ प्री नोटिफाइड टाइम बिफोर द इलेक्शंस पहले तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि रिमोट वोटर जो रहेगा उसको रजिस्टर करना पड़ेगा आइदर ऑनलाइन और ऑफलाइन विद इन अ प्री नोटिफाइड टाइम बिफोर द इलेक्शंस ठीक है ना इसके बाद होम कॉन्स्टिटुएंसी रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे उनके सक्सेसफुल वेरिफिकेशन के बाद होम कॉन्स्टिटुएंसी में द वोटर विल बी अप्रूव्ड फॉर रिमोट वोटिंग फैसिलिटी सक्सेसफुल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद ही अप्रूवल मिलेगा बूथ सेटअप किए जाएंगे नियर देयर करेंट होम्स है ना और उसके बाद आप वोटिंग कर सकते हैं अपने जो भी आपकी होम कॉन्स्टिट्युंसी है उसके लिए आर वी एम एक सिंगल बैलेट यूनिट रहेगी दैट कैन गेटर टू मनी कंस्टिट्यूएंसीज एट अ सिंगल पोलिंग स्टेशन बाय यूजिंग डायनामिक बैलेट डिस्प्ले इसमें डायनामिक बैलेट डिस्प्ले है मतलब कि अलग अलग डिस्प्ले आएंगे एज पर द कंस्टिट्युएंसीज ठीक है ना इसमें यूजुअल प्रिंटेड पेपर बैलेट शीट नहीं रहेगी डायनमिक बैलेट डिस्प्ले रहेगा डिजिटल फॉर्मेट में रहेगा उसके बेसिस में वोट होंगे तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल मूव करते हैं अगली न्यूज़ के तरफ वो है इंडियाज के वाइडेंस इन क्वार्टर टू टू नाइन ईयर हाई ऑफ फोर पॉइंट फोर परसेंट इंडिया का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो पिछले नौ सालों के सबसे ज़्यादा हुआ है फोर पॉइंट फोर परसेंट हो गया है इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट रिकॉर्डेड ऑफ रिकॉर्डेडिसोर बिलियन डॉलर और अ नाइन ईयर हाई ऑफ फोर पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द जी डी का फोर पॉइंट फोर परसेंट है जो कि अपने नौ साल का सबसे ज़्यादा है ठीक है अब करंट अकाउंट डेफिसिट होता क्या है तो करंट अकाउंट डेफिसिट इज़ अ मेजरमेंट ऑफ अ कंट्रीज ट्रेड वे आर द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस इट इम्पोर्ट एक्सीड्स द वैल्यू ऑफ वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट्स इट्स एक्सपोर्ट्स तो क्या होता है आप दो चीज़ें कर रहे हैं एक तो आप गुड्स एंड सर्विसेज को इम्पोर्ट कर रहे हो और एक आप गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हो ठीक है ना करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मेजरली करंट अकाउंट डेफिसिट जो है मेजरली क्या चीज़ देखता है कि आप कितना इम्पोर्ट कर रहे हो और कितना एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मतलब अगर इम्पोर्ट आपका ज़्यादा है इफ़ योर इम्पोर्ट इज़ मोर एंड एक्सपोर्ट इज़ लेसन दैट इज़ नोन करंट अकाउंट डेफिसिट और अगर आपका इम्पोर्ट कम है इफ़ इम्पोर्ट इज़ लेस देन एक्सपोर्ट दैन आपका हो जाएगा करंट अकाउंट सरप्लस करंट अकाउंट सरपलस हो जाएगा ठीक है ना तो करंट अकाउंट डेफिसिट आपको समझ में आ गया होगा और करंट अकाउंट सरप्रेस सरप्रस समझ करंट अकाउंट में चीज़ें क्या क्या होती हैं इसमें नेट इनकम होती है इसमें नेट इनकम में आता है इंटरेस्ट होता है डिविडेंट होता है ट्रांसफ़र होता है जैसे कि फॉरेन एड हो गई ये सब चीज़ें जो हो गई हो सकता है फॉरेन एड आपको मिल रही हो और हो सकता है फॉरेन एड आप दे रहे हो दोनों ही चीज़ें पॉसिबल है है ना तो ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली दे आर इंक्लूडेड अंडर दैट है ना आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल इसको भी आप याद रखेंगे इसके अलावा जैसे कि आपका करंट अकाउंट डेफिजिट इंडिकेट करता है कंट्री कितना इंपोर्ट कर रही है और कितना एक्सपोर्ट कर रही है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना डिफरेंस है वो सारी चीज़ें करंट अकाउंट डेफिजिट के अंदर मानी जाती है आई होप यू गॉट क्लैरिटी अगली न्यूज़ देखते हैं अगली न्यूज़ है कलसा बांडूरी ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट गेट्स सेंटर्स नॉट तो कलसा बांडूरी uh, जो ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट है विच इज़ इन द इंटर स्टेट महादाई रिवर बेसिन तो इसको अप्रूवल दे दिया गया है सेंट्रल वाटर कमीशन का सेंटर का नॉट दे दिया गया है हालांकि प्रोजेक्ट का फुल जो इंप्लीमेंटेशन होगा वो पहले फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही हो पाएगा क्योंकि महादाई डिस्प्यूट है एक्चुअली एक डिस्प्यूट है स्टेट्स के बीच में ठीक है ना कलसा बंडूरी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बता दो कलसा बंडूरी प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है विच इज़ अंडरटेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका कौन सी स्टेट ले रही है इसको गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ले रही है ठीक है ना और मेन चीज़ इसमें क्या है ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इम्प्रूव करनी है चार डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई इंप्रूव करनी है चार डिस्ट्रिक्स में जिनके जिनके नाम है बेलगावी बेलगावी में देन बागलकोट धारवाड़ और गढ़ग ठीक है ना धारवाड़ बा, बागलकोट गढ़ग ग जी ए डी ए जी और बा, बा, बागलकोट ठीक है ना इन चार स्टेट्स में इन चार डिस्ट्रिक्स में ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई को इम्प्रूव करना था तो कर किया क्या इन्होंने कलसा और बंडूरी ये दो ट्रिब्यूटरीज़ हैं महादाई रिवर की कालसा एंड बंडूरी दी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर कल्स एंड मंडूरी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर तो इनके पानी को शिफ्ट करके इनके पानी को टर्न करके कहाँ ले जाएंगे मालप्रभा द मालप्रभा रिवर ठीक है ना तो देर इज़ अ मालप्रभा रिवर जो कि इन चार डिस्ट्रिक्ट में ड्रिंकिंग वाटर पहुँचाती है तो मालप्रभा रिवर की तरफ शिफ्ट किया जाएगा इनके पानी को कल्स एंड मंडूरी विच आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ महादाई रिवर तो ये ओवरऑल प्रोजेक्ट है आई होप यू गॉट क्लैरिटी आपको याद रखना है इसमें जो भी मैंने चीज़ें बताई वो आप याद रखेगा एडिटोरियल में जो एडिटोरियल हम देखेंगे वह है लेवरेजिंग वॉइस टेक्नोलॉजी टू कॉम्बैट साइबर फ्रॉड तो साइबर फ्रॉड से लड़ने के लिए यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि क्यों ना वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाए ऑथर ने कहा है रिसेंटली जितना ज़्यादा डिजिटल पेमेंट और ये टेलीफोन बैंकिंग बढ़ गया है ऑनलाइन बैंकिंग बढ़ गई है उतने ही ज़्यादा फ्रॉड्स भी बढ़ते जा रहे हैं ठीक है ना द फ्रॉड्स आर राइजिंग बिकॉज ऑफ द डिजिटल पेमेंट टेलीफोन बैंकिंग ऑनलाइन बैंकिंग ऑल दीज थिंग्स आर देयर तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि एक तरीका हो सकता है टू रिड्यूस द लॉस इज़ बाई अडोप्टिंग वॉइस टेक्नोलॉजी वी टी वॉइस टेक्नोलॉजी वॉइस टेक्नोलॉजी जो है वॉइस बायोमेट्रिक्स uh, का या वॉइस स्पीच रिकोगशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेगा और इसके बेसिस पे वो क्या क्या भी जो भी फ्रॉड्स हैं फंड्स हैं इन सबको पहचानने की कोशिश करेगा ऑथर ने कहा है कि देखो बाकी के जो मेथड्स हैं जैसे कि आप अगर देखें फोटो uh, फोटोज़ ये वो आपका रेटिना इनऑल इसमें ऑथर ने कहा है कि डीप फेक्स और ऐसी टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा मिस यूज़ किया जा सकता है एंड दे आर वेलरेबल टू दैट है ना वहीं पे वाइस टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही ईजी है सबसे पहले जो एडवांटेजेज ऑथर ने आया क्या आता है बहुत ईजी है इट इज नॉट वेरी कंबरसम सेकेंड इट इज़ वेरी चीप है ना अमंग ऑल द बायोमेट्रिक्स वाइस टेक्नोलॉजी जो है वो सबसे ज़्यादा चीप पड़ेगी ठीक है न कम्पेयर टू अदर बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी इट इज़ द चीपेस्ट ठीक है ना एंड इट डज नॉट रिक्वायर अ रीडर और स्पेशल डिवाइस इसमें कोई भी एक रीडर की या स्पेशल डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ती है ठीक है बैंक्स ट्रेडिशनली पासवर्ड्स का यूज़ करते थे बट पासवर्ड्स जो हैं दे आर द वीकेस्ट सिक्योरिटी लिंक सबसे वीक तरीका है एक तरीके से सिक्योर करने का वॉइस टेक्नोलॉजी वेरीफाइज ए कॉलर स्विफ्टली इन बाय एनालाइजिंग द कॉलर्स वॉइस एंड फ्लैक्स स्पीशियस कॉल्स है ना तो वॉइस टेक्नोलॉजी जो रहती है वो वॉइस uh, के माध्यम से कॉलर uh, को पता कर लेती है एंड वी टी अलाउज प्राइवेसी बिकॉज इट डज़ नॉट रिक्वायर यूजर्स टू रिवील पर्सनल इन्फॉर्मेशन इट इज़ ऑल्सो वेरी मतलब इट इज ऑल्सो डज नॉट वॉयलेट प्राइवेसी बिकॉज इट डज नॉट आज Reveal your personal information just by using your voice samples, it can uh, do that. Hai na? वी जो है इट इज़ एन एसेंशियल टूल बाय फॉरेंसिक्स एंड लॉ इन्फोर्समेंट आप लोग जानते होंगे कि वी का यूज़ काफ़ी ज़्यादा किया जाता है फॉरेंसिक्स में लॉ इन्फोर्समेंट टेक्नोलॉजी उसमें बहुत ज़्यादा किया जाता है है ना एंड उसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये मदद कर सकता है इन इन्वेस्टिगेशन एफिशेंसी को बढ़ाने के लिए क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए क्रिमिनल्स को ट्रैक करने के लिए एंड बेटर रिस्पॉन्ड टू प्रिवेंट क्राइम्स है ना क्राइम्स को बेटर रिस्पॉन्ड करने के लिए वी का यूज़ किया जा सकता है वॉइस हैज़ मच लोअर एर रेट रिक्वायर नो आई कॉन्टैक्ट वॉइस में एरर रेट भी कम रहता और है और कहा कि वॉइस टेक्नोलॉजी ऐसी है कि इसको अगर हम थोड़ा सा अपग्रेड कर देंगे तो इट कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई वेदर यू हैव अ कोल्ड और सोर थ्रोट और नॉट मतलब जब आपको कोल्ड या सोर थ्रोट हो तो हो सकता है कि आपकी आवाज़ वैसी ना आ रही फॉर एग्जाम्पल मुझे अभी है कोल्ड तो मेरी आवाज़ हो सकता है वैसी ना आ रही हो लेकिन वॉइस टेक्नोलॉजी जो है वो एनालाइज कर लेगा बाय यूजिंग द वाइब्रेशन माई जो भी वाइब्रेशन होते हैं मेरी वॉइस के समय लैरिंग्स फेरिंग्स जो भी जहाँ जहाँ से आवाज़ आती है उन सारी चीज़ों का एनालाइज कर सकता है ठीक है ना ऑन द डाउन साइड द टेक्नोलॉजी मे नॉट बी हंड्रेड परसेंट फुल प्रूफ मे गिव फॉल्स पॉजिटिव समटाइम्स क्योंकि इसकी एक्यूरेसी नब्बे से निन्यानवे परसेंट के बीच में ही मानी जा सकती है बट कुछ वॉइस एनालिटिक्स सिस्टम्स ऐसे भी हैं जो कि क्लेम कर रहे हैं हंड्रेड परसेंट वेरीफिकेशन एक्यूरेसी है ना तो उनको हम टेस्ट किया जा सकता है ठीक है वॉइस बायोमेट्रिक्स टेक्नोलॉजी इज मेकिंग वेव्स इन द वर्ड फॉर फ्रॉड प्रोटेक्शन बाई प्रोवाइडिंग एन एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन फॉर डेटा तो उन्होंने यही कहा कि एक्स्ट्रा लेर ऑफ प्रोटेक्शन है फॉर डेटा वॉइस टेक्नोलॉजी का यूज़ करें अब यहाँ पे आपको एक फोटोग्राफ दिख रही होगी जहाँ पे आ, बोंडा ट्राइब के लोग हैं ये बोंडा ट्राइब पीपल दे आर इन द उड़ीसा मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट तो उड़ीसा के मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में है बोंडा ट्राइब के लोग हैं इनको याद रखेगा द कर्नाटका महाराष्ट्र बॉर्डर हो वैसे मैंने कई बार आपको बताया है कर्नाटका महाराष्ट्र का बॉर्डर हो क्योंकि uh, महाराष्ट्र बोलता है कि बेलगावी जो कर्नाटका uh, के पास है वो महाराष्ट्र के पास होना चाहिए वहीं पर कर्नाटका बोलता है कि जो शोलापुर सांगली और कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट uh, महाराष्ट्र में है वो कर्नाटका uh, में होने चाहिए 1957 से ही डिस्प्यूट है जब से स्टेट ट्री ऑर्गेनाइजेशन आया हुआ है स्टेट ट्री ऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में आया था और उसके बेसिस पे जो डिवीज़न किया गया था वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे है और दूसरा एक कमीशन इनके बारे में ज़रूर आप याद रखें देर इज अ कमीशन प्रॉपरली फॉर्म फॉर दैट दैट वाज द महाजन कमीशन ठीक है ना महाजन कमीशन है 1967 में महाजन कमीशन रिपोर्ट भी आई थी एंड उसमें भी बेलगावी को कहा गया था कि कर्नाटका का पार्ट है ठीक है तो दैट वाज द थिंग हुआ क्या था कि महा महाजन कमीशन ने जब रिपोर्ट निकाली तो महाराष्ट्र ने उसको रिजेक्ट कर दिया और कर्नाटका ने उसको एक्सेप्ट किया ठीक है ना तो दैट इज़ अ थिंग विच इज़ देयर मूव करते हैं अगली न्यूज़ पे व्हाट इज़ द वीडियो कॉन चंद्रा कोचर केस ऑल अबाउट यहाँ पे केस क्या है देख लेते हैं तो चंद्रा कोचर जानते हैं आप लोग कि ये मेन हेड थी आईसीआईसीआई बैंक की एंड इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ मिल करके अब्यूज ऑफ़ पावर किया अब्यूज़ ऑफ़ पावर किया क्योंकि प्राइवेट लैंडर से इन्होंने बहुत सारा लेंडर मतलब कि आई उसके साथ बहुत सारे लोन इन्होंने दिए वीडियो कॉन ग्रुप को है ना बहुत सारे लोन दिए वीडियो ग्रुप को 2009 जून से लेकर के अक्टूबर 2011 तक आईसीआईसीआई बैंक सैक्शन सिक्स हाई वैल्यू लोन्स टू वेरिड कंपनीज ओन्ड बाई वीडियोकॉन छः हाई वैल्यू लोन्स दिए वीडियोकॉन को एंड द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिजल्टेड इन रॉन्गफुल लॉस टू द प्राइवेट लेंडर जो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन हुआ इससे बहुत सारा लॉस हुआ प्राइवेट लेंडर यानी कि आई को एंड फर्दर दे इन वायोलेशन ऑफ द क्रेडिट एक्सटेंडिंग पॉलिसी एंड वर रेटेड डीम टू बॉन परफॉर्मिंग एसेट्स फॉर द फिर यही वीडियोकॉन को जो दिए गए लोन थे ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में कन्वर्ट हो गए तो इज़ देयर इसमें उन्होंने मिलकर के अपने हस्बैंड के साथ मिलकर के सारी चीजें की आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है तो लेकिन मूव हेड यहाँ पर बात चल रही है यूपी उत्तर प्रदेश में आप सबको पता है कि अखिलेश यादव ने कहा था कि असेंबली सेशन में जो इलेक्शन हो अर्बन लोकल बॉडीज़ के उसमें ओ रिजर्वेशन दिया जाए ठीक है ना अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश में जो अलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने कहा कि नहीं आप इलेक्शन करें लेकिन ओ को रिजर्वेशन ना दें है ना यू हैव टू होल्ड द पोल्स विदाउट गिविंग ओ रिजर्वेशन तो बात चल रही है कि क्या ओ रिजर्वेशन मैंडेटरी है या नहीं अर्बन लोकल बॉडीज में तो ऑबियस बात है अभी तक ऐसा नहीं है दो आर्टिकल आप सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन में अर्बन लोकल बॉडीज से रिलेटेड वो है आपके आर्टिकल टू फोर्टी थ्री डी टू फोर्टी थ्री डी एंड आर्टिकल टू फोर्टी थ्री टी या टू फोर्टी थ्री डी जो है वो पंचायत में रिजर्वेशन की बात करता है और टू फोर्टी थ्री टी जो है वो म्यूनसिपैलिटीज़ में रिजर्वेशन की बात करता है लेकिन कहीं पर भी अदर बैकवर्ड क्लासेज नहीं लिखी हैं अगर आप टू फोर्टी थ्री डी पढ़ेंगे तो शेड्यूल्ड कास्ट लिखा है शेड्यूल ट्राइब लिखा है वेमेन लिखा हुआ है लेकिन ओ बी सी नहीं लिखा है टू फोर्टी थ्री टी में भी आपको वहीं मिलेगा शड्यूल्ड काट शेड्यूल ट्राइब एंड वेमन लिखा हुआ है जिसमें वन थर्ड शेड्यूल कास्ट शेड्यूल की वन थर्ड रिजर्वेशन मिनिमम आपको को प्रोवाइड करता है तो वेमेन को आप दे सकते हैं लेकिन वन थर्ड मिनिमम आपको आपको करना है, ठीक है है ठीक ना? और सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है कि टेस्ट आपको करे बिना नहीं रिजर्वेशन प्रोवाइड करना है। ये विकास गावली वर्स स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है तो विकास किशन राव गवली वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने डिवाइस किया था ट्रिपल टेस्ट जिसमें उन्होंने कहा था कमीशन बनाओ कमीशन से डेटा कलेक्ट करो उसके बाद जो रिजर्वेशन है फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा नहीं एक्सीड होना चाहिए है ना एंड द कोर्ट हैज़ ऑल्सो मेड इट क्लियर इन सुरेश महाजन वर्स स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश दैट नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैन बी प्रोवाइडेड एंड द ट्रिपल टेस्ट कंडीशन आर कंप्लीटेड तो इसमें क्लियर किया हुआ था कि नो रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कैन बी प्रोवाइडेड अंटिल द ट्रिपल टेस्ट कंडीशन आर कंप्लीटेड तो ट्रिपल टेस्ट कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कंप्लीट होना उनका ज़रूरी भी है आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है सी नाउ आर नाव पब्लिश ऑनली पेपर्स ऑफ दोस् प्लेइंग सेकंड फिडल ऑफ यहाँ पे ये एलिगेशन लगाया गया केशव वेलवत जी का थोड़ा सा आई का बताऊँ मैं तो आई का फाउंडेशन था नाइनटीन में जब इंदिरा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था और प्राइम मिनिस्टर थी उस समय वो एंड उस समय पहले जो प्रोफेसर थे आर एस शर्मा उनको चेयरमैन बनाया गया था आर एस शर्मा की किताब भी आप सबने पढ़ी होगी हिस्ट्री में है ना तो ये वही आर एस शर्मा जी हैं आई सी सी इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च नाइनटीन में इसका फॉर्मेशन हुआ था अब प्रोफेसर केसवन वेलू वेलूथर्ट का यह कहना है कि अभी ही वाज़ द प्रेसिडेंट ऑफ एट्टी फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का अभी एट्टी फर्स्ट सेशन हुआ था तो उसमें ही वो बात कर रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि अब तो अच्छे पेपर पब्लिश नहीं होते केवल केवल सेकेंड फीडल पेपर्स पब्लिश होते हैं आ, क्योंकि गवर्नमेंट को बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं ये सारी चीज़ उन्होंने कही है ठीक है ना अब एक डिस्कशन ये चल रहा था कि क्या डेमोक्रेसी इंडिया वाकई में मदर ऑफ ऑल डेमोक्रेसीज है या नहीं तो यहाँ पे कई लोग जो जो हमारे जो जो, जो लोग कहते हैं कि यस इंडिया वाज द मदर ऑफ़ डेमोक्रेसी उनका ये कहना है कि जो सिक्स सेंचुरी बीसी का टाइम पीरियड था जब महाजनपद पीरियड थे तो बहुत सारे गवर्नमेंट ऐसे थे जो रिपब्लिक थे जो सेल्फ गवर्निंग थे एंड डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज थे ठीक है ना डेमोक्रेटिकली ऑर्गेनाइज थे दूसरा ऑथर ने कहा है कि एक एक और, और इंपॉर्टेंट सिस्टम था कुा वलाई सिस्टम लिख लो इस लोग आप लोग कुडा कुड़ा वलाई सिस्टम वलाई सिस्टम अब ये कुड़ा वलाई सिस्टम जो था ये याद रखेगा चोलास के टाइम का था चोलास में क्या होता था कि जितने भी मतलब uh, एक रिप्रजेंटे मतलब हर जो वार्ड था एंड एवरी विलेज हैड नियरली थर्टी वार्ड्स हर विलेज को वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता था और हर वार्ड से फिर एक एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना जाता था तो, तो ये कहीं ना कहीं ये आपको एक वैसा सिस्टम लगेगा डेमोक्रेटिक सिस्टम लगेगा ठीक है ना लेकिन अब यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि जो जो लोग इसको क्रिटिक uh, है वो कहते हैं कि देखो इसमें जो लोग वोट कर सकते थे या जो लोग पार्ट लेते थे उनके पास कुछ प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो ब्राह्मण्स होने चाहिए उनको वेदास का नॉलेज होना चाहिए ये सारी कंडीशन अगर आप देखो तो ये डेमोक्रेटिकली कंडीशन फिट नहीं बैठती हैं तो कुल मिलाकर के कुछ लोग क्रिटिक भी हैं लेकिन ओवरऑल कूडा वोलाई सिस्टम आपको याद रखना है कि विलेज को थर्टी अलग अलग वार्ड्स में डिवाइड कर दिया जाता था और उन थर्टी वार्ड्स से हर एक हर एक वार्ड से एक एक रिप्रेजेंटेटिव तो उसको चुना जाता था लेकिन वोटिंग कंडीशन और सलेक्शन की कंडीशन थोड़ा थी इसलिए ये आर्ग्यूएबल है तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट स्टडी शोज तमिलनाडु इज़ द वर्स्ट परफॉर्मिंग इन आर टी आई रिस्पॉन्सिवनेस तो आर टी आई यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिवनेस में सबसे पुअर जो स्टेट है वो है तमिलनाडु तमिलनाडु का स्टेट इलेक्शन कमीशन स्टार्ट इन्फॉमेसन कमीशन जो है उसने मोस्ट ऑफ द इन्फॉर्मेशन को डिनाई किया है और देने से मना किया है तो ये एक चीज़ थी जो कि आपको बतानी ज़रूरी थी आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल आपको समझ में आना चाहिए तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी आगे मूव करते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडेंस इन क्वार्टर टू ऑफ टू अइन ईयर ईयर हाई ऑफ फोर पॉइंट फोर परसेंट यह मैंने ऑलरेडी आपको बताया है ट्रेड uh, डेफिसिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि ट्रेड डेफिसिट मतलब कि हमारे से कितना इंपोर्ट हो रहा है कितना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है इंडिया में एक्सपोर्ट बहुत कम हो रहा है दैट इज द मेजर रीजन की क्यों हमारा कैड इतना ज़्यादा आ रहा है तो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स कीप लाइविंग एस कीप शेयरिंग थैंक यू डॉ नाइस डे